एक बार फिराक कुछ हिंदी के मुसन्फों के साथ महफिल में पहुंचे इधर उधर की बातों के बाद गुफ्तु का रुख हिंदी और उर्दू की तरफ मुड़ गया हिंदी के एक अदीब ने कहा फिराक साहब उर्दू भी कोई जबान है इसमें गुल बुलबुल बुल के अलावा और है ही क्या हल्की फुल्की और गुदगुदी पैदा करने के अलावा संजीदा और ऊंचे किस्म की फिलासफी से मुतिक बातें इस जबान में अदा नहीं की जा सकती आप बड़े शायर जरूर है लेकिन उर्दू एक घटिया जबान है फिराक बहुत संजीदगी से ये सब सुनते रहे फिर एक सिगरेट सुलगाते हुए कहने लगे हर गवार इंसान खूबसूरत चीज के बारे में वही कहता है जो आपने उर्दू के बारे में फरमाया है फिराक साहब की सारी जिंदगी तनहाई में गुजरी आखिरी जमाने में तो घर में नौकरों के सिवा और कोई नहीं रहता था कभी कभी तो तन्हा इतने बड़े घर में खामोश बैठे हुए सिगरेट पिया करते थे खास तौर से शाम को ये तनहाई दर्दनाक हद तक गहरी हो जाती थी एक ऐसी ही शाम को नौकर बाजार गया हुआ था एक गुंडा मौका गनीमत समझकर दबे पांव घर में घुसाया उसने चाकू निकालकर फिराक साहब के सीने पर रख दिया और रकम का तलबगार हुआ फिराक साहब उसको चुपचाप देखते रहे फिर बोले अगर तुम जान लेना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता अगर रुपया चाहते हो तो वो मेरे पास नहीं है नौकर बाजार गया हुआ है बैठ जाओ अभी आ जाएगा तो तुम्हें रुपया दिला दूंगा हमलावर बैठ गया फिराक साहब ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बोले अच्छा हुआ तुम आ गए मैं बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था